उसके बाद जो स्टेज है वो है अनाड़ीपन का। आपने भी अनाड़ीपन किया, मैंने भी बड़ा अनाड़ीपन किया। अभी शुक्र अदा करता हूँ मैनी टाइम्स के, मैंने जो भंड मारे होंगे और जो हरकतें की होंगी और जो नहीं चली होंगी और जो लोग तपे होंगे, कोई नहीं जानता। शुक्र मैं जानता हूँ, वो लोग जानते हैं, मैंने भी हाथ माफी मांग ली होगी, लेकिन वो अनाड़ीपन जरूरी है खिलाड़ी बनने से पहले सीखने के लिए। आप खिलाड़ी नहीं बन सकते बगैर अनाड़ी। अनाड़ीपन इज नेट प्रैक्टिस, अनाड़ीपन इज गेटिंग आउट एवरी डे एंड पुटिंग दैट स्किल। इतना कर लो कि तुम्हारे अंदर रच बस जाए, इंटरनलाइज हो जाए। कोहली अब सोच के नहीं खेल रहा होता, उसको सोच के पैर नहीं बढ़ाना पड़ता, वो इसके अंदर रच बस गया है। और अल्लाह ने हमारा दिमाग ऐसे बनाया कि इसका एक हिस्सा कंप्यूटर है, उसमें जो फीड करते जाए, जो ऑटोमेट करता जाए, वो उस लम्हे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी हिशाम इस लम्हे बैठते हुए सिर्फ बातें भी सुन सकते हैं मेरी, इस लम्हे बैठे हुए बातों के साथ मेरा जिस्म भी देख सकते हैं। देखें ज़रा, और पूरा देखें, और इस लम्हे आप मेरी एनर्जी भी फील कर सकते हैं, और इस लम्हे आप मेरे अगले अल्फाज भी डिपिक्ट कर सकते। अमेजिंग, राइट? राइट। तो ये जो गफलत, बेदारी, अनाड़ी, खिलाड़ी है, ये हर चीज़ पर अप्लाई करता है। और ये जो मैंने आपको मिसाल दी है, कम्युनिकेशन की मिसाल है, इसको अब आप स्टेज पे ले आएं या इसको कैमरे के सामने ले जाएं, अब अनाड़ी बने। और अनाड़ी बनने में भरम रखें, अनाड़ीपन भी अच्छी चीज़ होती है। आप सीख रहे हैं, आप हर किसी के पास जा सकते हैं, आप कुछ भी आजमा सकते हैं। खिलाड़ी के ऊपर तो प्रेशर आ जाता है। अब जिस तरह मैं खिलाड़ी हूँ अपनी इंडस्ट्री का, तो हर ट्रेनिंग में प्रेशर, आपने कहा दाँत खत्म नहीं होती, तो अब मुझे उस दाँत पर डिलीवर करना पड़ता है मैनी टाइम्स। अनाड़ीपन में तो हम क्या कुछ करते थे, मैं अपनी उस्ताद के साथ कहाँ कहाँ जाता था, हम एज यंग ट्रेनर्स जाते थे एक दूसरे को सपोर्ट करके, अच्छा तू क्या बात करेगा, अच्छा मैंने ये नहीं करनी, तू ये करे, ये बात कर रहे होते थे, राइट? लेकिन वो बात किसी के सामने नहीं आती। सो मैं सबको इनकरेज करूँगा कि ज़रूर अनाड़ीपन की स्टेज में बेशुमार चीज़ें ट्राई करें, ना घबराएं, गिरें गिरें गिरें, इतना गिर जाएं कि कोई गिरना आपको मुश्किल ना लगे, इतना सुन लें, इतनी बेइज्जती करा लें कि आप उससे बियॉन्ड चले जाएं, अब आप खिलाड़ीपन वाले मोड पे आ जाएंगे, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। और ये स्टेजेस जरूर याद रखें कि ये खिलाड़ीपन जो नजर आता है, इसके पीछे अनाड़ीपन जरूर है।